Hey guys, this is R. It's we Creations. They can stop me, I'm all the way up. All the way up. Hey guys, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे R We Creations पे. तो आज हम लेके आए एक रिएक्शन वीडियो, कुछ अलग कंटेंट हमारे हमारे म्यूजिक कैटेगरी के रिलेटेड ही है. तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं MC Stan के न्यू सॉन्ग जिसका नाम है Broke Is Joke. Yes. तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इन 3, 2, 1. ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट लेट्स स्टार्ट Broke Is Joke. MC Stan ऑफिस इन रियल वीडियो स्टार्ट हो जा भाई. स्टार्ट हो इंडिया रिकॉर्ड्स लीव आर Broke Is Joke. Tagline in here. Look killer out. क्या लाइन बोला उसने, हद से मैं हद देता असली को, समझ रहे हो बात को. उसका सीन होता उसके बारे में बात कर रहा है, सॉन्ग में डीप जा रहा है वो, उसका लफड़ा होता उसके बारे में बात कर रहा है वो हद से. अभी सबको मालूम है फिलहाल क्या सीन चल रहा है MC Stan के लाइफ में, सबको उसके सब होमीज अभी गायब होते जा रहे थे उसकी वजह से. वो लाइन बोल रियल जो है वो बोल रहा है और उसमें क्या है और आगे की लाइन क्या बोली, आजकल फुल कांड में लड़की. ओ भाई ये जो बुक लाइन जब आप उसने बोली ना वो तेरे ले रहेगा, जो जब ये लाइन उसने स्टार्टिंग में बोली था फुल मंबल टाइप में तभी इतना वाइब क्रिएट नहीं होता. लेकिन अब जैसे उसने सेकंड टाइम जैसे ये लाइन बोली ना फिर से अभी थोड़ा वाइब क्रिएट हुआ और वो उसका ये भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो गया और बीट भी सही बज रहा है उसका. मतलब बैकग्राउंड में जो बीट्स है और बीच में जो भी म्यूजिक है ना बीट टाइप वो खुद क्रिएट करते हैं तो इसकी स्टाइल अलग ही है. उसको ले ले इसने आकाश ब्रो, आकाश ब्रो क्या कर तेरी बहन को क्या बोलता है आकाश ब्रो. ओ फुल डिमांड में ले गया उसको, समझा होगा लाइक ठोको उसको कुछ तो हुआ था लगता है आकाश के साथ. आप बताओ हमें कमेंट में क्या सीन है, क्या सीन है. देखो बोला दैट्स माय ब्रो हिंदी रिकॉर्ड्स उसने अपना लेबल लॉन्च किया था शायद. आप बताओ कमेंट में 10 मार्च को शॉर्ट बजा. ओके नाइस. ओके सब स्टोरी बता रहा है. That's like, you know.
डीप है इसका। और हम ड्यूक को ही देते रहते और उसकी पूरी जिंदगी ड्यूक में ही जाने ऐसे घूमते जैसे कोई बैनरी वगैरह लेके घूम रहे वैसे घूमते रहते। तो नाइस लाइन, ये शायद किसको तो टारगेट करके बोल रहे, पूरा टारगेट कर। लाइन तूने ये लाइन मतलब शायद से सच भी होगा, उसने बोला कि मैं कपड़े नहीं खरीदा बना था खुद में, मतलब उसका फैशन डिजाइनर भी है वो, मतलब खुद के कपड़े खुद ही डिजाइन करता है। धमकी टाइप सॉन्ग है हेटर्स के लिए, और वो मतलब उसने अपनी स्टोरी बताई है उसके अंदर और बोल रहा है पैसे नहीं दे शूट पे, कपड़े खुद डिजाइन करता है खुद पे। जब इसने स्टार्ट किया था तब उसके पास पैसे नहीं थे शूट के लिए ऐसे। जो कपड़े उसने पहने वो उसने खुद डिजाइन करके पहने, वो बाहर से खरीदता नहीं खरीदता ऐसा बोल रहा है। मराठी ने उनको समझे तो उसने बोला घर ही बारा था सो, मतलब वो बोल रहा है सो जाओ घर पे जा बच्चे जाके सो ऐसा बोल रहा है वो, मतलब कुल ले रहा है किसके तो एकदम मतलब पूरा। इसी तरह से ये गाना खत्म होता है आज के बाद, कैसा लगा गाने के बाद? बहुत 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 जिस तरह मतलब उसने क्या पिछले दो तीन सॉन्ग से जो वो कंटिन्यू करता रहा वो वाइब मंबल टाइप के अलग से वही वाइब वो कंटिन्यू करता रहा और वो सीरियसली एक अलग वाइब क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे तो मेरे को ऐसा लगता है मतलब उसका जो पहले खुजामत वाला जो एमसी स्टाइल है वो अलग इससे अलग है बहुत, वो वाला जो फील वापिस तड़ी पर आता हूँ वो वाला फिर हमको वापस चाहिए। लेकिन ये भी नॉट बैड, मतलब ये भी बेस्ट है। अभी जो दो तीन उसने गाया पहले वो सोचे लाइफ के बारे में सर। हाँ वो मतलब ही इज ब्रोकन टोटली, अगर सच बात होता तो सबके फ्रेंड्स के वजह से, उसके होमीज के वजह से, उसके होमीज का भी लगता था। अभी फिलहाल सब अलग हो गए या THC रहे या कुछ भी रहे, अभी हम तो नाम तो नहीं लेना। लेकिन गाने के बारे में बोलो तो अगर आप हिप हॉप को पसंद करते हो तो, और अगर बात वीडियो की बात करें तो कुछ नहीं, अभी उसने खुद का अपना म्यूजिक लेबल बनाया, डायरेक्ट भी खुद कर रहा है, सब खुद कर रहा है। तो अभी बजट की वजह से थोड़ा वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब बजट नहीं अभी फिलहाल एमसी स्टैंड के पास, क्योंकि फिलहाल वो खुद कोरियोग्राफ कर रहा है, सब खुद कर रहा है। पहले सब नो फिल्टर के साथ था उसके पास, और जो उसने बीच में लाइन बोली थी ना क्लैश करा रहता तेरा वर्ली कॉफी, वो लाइन मतलब नो फिल्टर का और आकाश है ना ऑफिस वर्ली में, वो आकाश का पता क्या, वो आकाश का है पता क्या, लोका का कुछ तो है ना, वो लोका के सॉन्ग में देख बोले आकाश का है, वो बीट डालता है उसमें तो वो ऐसा कुछ तो वाइब है, अलग से फील है। वेट करते हैं इस टाइम के नेक्स्ट सॉन्ग का। और आगे आप बताओ आपको वीडियो कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए। और आपको एक बात बताओ, बात बता देते हैं हम लोग कि हम किसी भी रैपर के साइड में नहीं है, हम सिर्फ म्यूजिक के साइड के साइड है। और अगर म्यूजिक के साइड से देखो तो दिस वाज सुपर, ये बहुत ही बढ़िया गाना था।
और बस आज के लिए इतना ही, आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आ रहा है अभी का सॉन्ग पानी में, कुछ क्या नाम है सॉन्ग का, पानी में, बराबर। यस, तो अभी नेक्स्ट सॉन्ग उस पर रिएक्ट करने वाले, तो आप भी हमारी फर्स्ट रिएक्शन वीडियो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बता देना कि क्या गलत है, कुछ हुआ है। तो आज वीडियो बस इतना ही, तो जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।